नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। अभी अभी अमेरिका से बड़ी खबर आई और इसी बीच मोदी ने किया बड़ा ऐलान, क्योंकि जिस तरह से एलएसी पर लगातार चीन अपनी सेनाओं को उकसाने और घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, इसी बीच आज अमेरिका से ये सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। आपको बता दें, जब एलएसी पर गतिरोध नहीं हुआ था तभी से अमेरिका ने एक मुहर लगा दी थी कि हम भारत का साथ देंगे, और आज वो रिपोर्ट सामने आते ही नरेंद्र मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब अमेरिका हमारे साथ है। हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका हमारा साथ देगा, और इसकी घोषणा और इस पर मुहर अमेरिका ने 2 साल पहले ही लगा दी थी, यानी कि बदलने के चांस नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने वाले, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन बने या फिर राष्ट्रपति ट्रंप बने, कोई भी बनता है, लेकिन जब भारत कहेगा उनसे ये करने के लिए तुम्हें मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सबके सामने पहुंच चुकी है कि अमेरिका 2 साल पहले ही भारत का साथ देने का ऐलान कर चुका है। बता दूं, एलएसी गतिरोध के 2 साल पहले ही अमेरिका कर चुका था फैसला, चीन के खिलाफ भारत का देगा साथ। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को लेकर गतिरोध शुरू होने से 2 साल पहले ही अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार की थी। हाल में सामने आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इसमें चीन के साथ सीमा विवाद जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत को राजनयिक और सैन्य समर्थन देने की बात कही गई थी। साल 2018 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा बनाई गई रणनीति का समर्थन किया था। व्हाइट हाउस द्वारा तैयार की गई एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग, जिसे गुप्त और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं बताया गया था, वह सामने आई है। इसे बुधवार को जारी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर एबीसी न्यूज़ ने मंगलवार को इससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, यानी कि स्पष्ट है कि इस पे मुहर लग चुकी है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स पर यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और अब चीन की फटती नज़र आई है। चीन ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब दो शक्तिशाली देश आपस में मिलते हैं तो महाशक्ति का निर्माण होता है, और वहीं पर चीन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कई न्यूज़ चैनलों ने बताया है कि अमेरिका ने राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनलों के जरिए भारत को समर्थन देने की प्लानिंग की थी, ताकि चीन के साथ सीमा विवाद जैसी महाद्वीपीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इससे अमेरिका का उद्देश्य रक्षा सहयोग और अंतर क्षमता के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करके सुरक्षा के नेट प्रोवाइडर के रूप में सेवा करने के लिए भारत की वृद्धि और क्षमता में तेजी लाना चाहता है। वही डॉक्यूमेंट्स में इसका भी जिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ अमेरिका को इंडो पैसिफिक रणनीति को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका के सहयोग को गहरा करने और भारत के साथ एक क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संबंध बनाने के लिए भी कहा गया है। यानी कि स्पष्ट है कि पिछले 3 वर्षों में अमेरिका ने 3 महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में किया गया। संवेदनशील सैन्य जानकारी को दोनों देशों के बीच में रियल टाइम में साझा करने का सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल है। यह समझौते कम्युनिकेशन कंपोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA हैं। वहीं हाल ही में एक विदाई संबोधन में निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने विशेष रूप में इन समझौते का उल्लंघन भी किया था, और कहा था कि इससे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की बढ़ोतरी हुई है। उसी इवेंट के दौरान जस्टर ने कहा था, भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच अमेरिका बहुत सहायक था, लेकिन और जानकारी देने से इनकार भी कर दिया गया था।
उन्होंने कहा था कि हम दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र की एक दृष्टि साझा करते हैं और यह एक समावेशी दृष्टि है जो सभी देशों को विकसित होने और समृद्ध होने के अवसर प्रदान करता है। यानी कि स्पष्ट है कि भारत अब उन शक्तियों में शामिल हो चुका है जिसकी उम्मीद चीन ने कभी नहीं की थी। यानी कि अब अमेरिका चाहकर भी भारत की मदद करने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रीफिंग में ये प्रस्ताव रख दिया जा चुका है कि किसी भी वक्त भारत अमेरिका का साथ ले सकता है। और जिस तरह से भारत ने भी अमेरिका का साथ दिया है, आज कोविड वैक्सीन जो भारत में बनी हुई है उसकी डिमांड विश्व के कई देश कर चुके हैं। स्पष्ट है अमेरिका भी है, और अमेरिका जब हमारी वैक्सीन ले सकता है, हम अमेरिका के बुरे दिन पर हम अपने यहाँ की मेडिसिंस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो स्पष्ट है कि अमेरिका भी साथ देगा, क्योंकि LAC में गतिरोध अभी भी उसी पड़ाव पर है जिस पड़ाव पर अभी पिछले दो महीने आपने देखा था कि किस तरह से LAC की ही खबरें चल रही थी। और अब भी LOC और LAC दोनों सीमाओं की खबरें अभी भी हमारे सामने रोज़ाना आती हैं। कभी चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो कभी चीन हमारे जवानों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश बेनकाब हो जाती है, हर एक कोशिश उसकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जहां पर भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर देती है तो चीनी सैनिकों में हड़कंप होता है। और अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले ही चीन का एक जवान भारतीय सेना के कब्जे में था, और इस बात की पुष्टि खुद जिनपिंग ने की थी। जिनपिंग खुद बौखला उठे थे, रोने लगे थे, और उन्होंने भारतीय सेना के सामने विनती की अपने जवानों को छुड़ाने के लिए। तो यानी स्पष्ट है कि चीन की बौखलाहट और चीन का दर्द अब दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन जब भारत और अमेरिका आपस में मिलेंगे तो चीन को सरेंडर होना ही पड़ेगा। बाकी आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।